लुधियाना के डिवीजन नंबर 6 के अंतर्गत बढ़ते धूरी लाइन में दो ग्रुपों के बीच हुई मार कटाई की वीडियो सामने आई है, जिसको लेकर दोनों ग्रुपों की ओर से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर एक महिला आज लुधियाना के पुलिस दफ्तर पहुंची, जहां उस द्वारा बताया गया कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस द्वारा कहा गया कि कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित महिला द्वारा कहा गया कि उसे एरिया में रहने वाले अंकित और उसके साथियों ने मिलकर हमला किया है और काफ़ी उनसे बदसलूकी भी की गई है, पर पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर कार्रवाई नहीं होती तो वह खुदकुशी कर लेगी। इस संबंध में थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है, इस संबंध में जांच चल रही है और बनती कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहना था पीड़ित महिला का, पुलिस अफसर का। जनसर एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफिस भी गए की मसला की है तुहाडा? मैं जी धूरी लैन की दो नंबर फाड़क की हैगी रहन वाली लुधियाने की, ठीक है जी। मैनू धूरी नंबर दो नंबर फाड़क को कुटी गई है इन्होंने। 15 मुंडे से जी शराब पी के ना, 15 जने मैं मेरे मंगर पै गए। मेरे नाल ओ कीता जड़ा दुनिया नाल ना होवे। एक जनानी नाल मेरे नाल ऐसा कीता ना, मेरे कपड़े पाड़ उन्होंने, मैनू अग ला, मैनू अंदर घड़ीस के लेके जाते ही जूंडे तू। एक अंकित, एक मोनी, एक राजन, इन्होंने मैंने पूरा जफ्फा पा रखा से। मैंने तो छुड़ा के भजी भजदी भजदी ना मेरे पिछे आए। पिछे आते आते इन्होंने ना एक मुंडे ने इट मारी इन्होंने सिर दे, इट मार के ना मोनी ने सिर देते उन्होंने लै गया पहला 2.5 नंबर मेरे पिछे। मैं डरती डरती अपनी जान बचा, मैं 2.5 नंबर चाहिए। 2.5 नंबर वाले ने मेरी रिपोर्ट की, वो कहते मैडम जे तेरे सट्टा बजे ने तो तू उत्थे जा सिविल हॉस्पिटल च परचा करा। मैं सिविल हॉस्पिटल च आटो कराया, अपनी बेटी नाल लैके आटो कराया, मैं सिविल हॉस्पिटल च पहुँच गया। मेरे नाल फिर उदू बाद ना मैं फिर आई सिविल अपने 2.5 नंबर के बच्चे, उन्होंने फिर मेरी दरखास्त नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कहते सानू 25 मुंडे आ गए जी, सानू 50 मुंडे आ गए जी। मैं कहा 50 मुंडे तो मैंने कुटन पैदे ने, मैं महल्ले नहीं बढ़न देंगे है। फिर मैं अपनी बेटी के घर रात में लुक के बैठी, मैं ऐसिया ऐसा गाला कटिया टोके कृपाना मैनू जी उन्होंने जान तू खतरा। कारण जी ये उन्होंने कोई गड्डी का चक्का ढिला करता, किसी ने नट नुट ढिले करता। मैं एक जनानी है जी, 38 साल की मेरी उम्र आ। मैं एक जनानी होकर कार का चक्का किदा खोल सकती हाँ? चंडीगढ़ रो चंडीगढ़ में उन्होंने गड्डी चली आ, मरंडे जाके खुलिया इन्हों चक्का। दसो जी जे चक्का मैं खोलिया हों तो इतनी खुल जाना सी चक्का। दसो मैनू मोनी ने कुटी आ, मैनू मेरा इंसाफ दवाया जाए। रब्बा मैं इतने मर जूंगी, कुछ खा के मर जूंगी, मेरी बहुत बेइज्जती कर दिती इन्होंने। मैं मरना मैनू इंसाफ दवाया जाए, बस मैनू इंसाफ दवाया जाए। हाँ जी जान देने जी, सारे जान देने जी। 15 मुंडे ने मैनू कि अख चाहूगी, मैनू ऐ मारद मेरे देखो कन्ना तो सट वजी है, मेरी डेढ़ तोले ही चैनी तोड़ती है। बेटा मेरा पूरा हो गया, बेटे की बहू की मेरी चैनी सी, बोटी की चैनी सी, मैं चैन पाई हुई सी, मेरी चैन खिंच ली इन्होंने, मेरिया बालियाँ तक बचा लेने कहने बालियाँ भी डेगी इन्होंने मेरे। मेरा बहुत बुरा हाल है जी, मेरे बाल मेरे कहने सिर ते बाल पूरे नहीं है जी। मेरी कहते थोन इंसाफ दवाया जाऊगा, तुसी उत्थे जाओ, असी पूरी कार्रवाई ते पहुंचे हुए हैं, सानू पूरा इंसाफ दवाया जावे। बस मेरी तो यही है भी मेरे बच्चे हो, सारा कुछ है जी मेरे को, सारी वीडियो कढ़ा रखी ने इन्ह दी जी। मैं इदा गलत गलत गाला कढ़ देने, देखो जी मैं 38 साल की जनानी है, बेटा मेरा नहीं सिर ते है, दो बेटियां ने, इन्हों मैं मिलने वास्ते आनी हाँ, मैं किदे कोले जाऊंगी? मेरी कोई रंजिश नहीं हैगी इन्होंने। पहला कतल किया मोनी ने, सजा भुगत के आया, फिर मोनी ने फिर किसी की हत्या करने की कोशिश की, फिर वो कतल च 5 साल दे साली होई सी इहनू, फिर की कहिंदे ने जमानत करा के आया बाहर, फिर वो महल्ले दे विच दस्त पाउंदा जी मैं गांधी हाँ, गांधी हाँ, गांधी कहड़ा मैनू, गांधी दसो, मैं गांधी कोले जाना चाहनी हाँ भी गांधी इन्हां नू यही सूल दिता होया भी जनानियां नू कुट्टो, घरां च नूंहां धीआं नू कुट्टो, सानू गंदियां गंदियां गालां कढ़न। सानू कहिंदे ने तेरे नाल ना चार बंदे से रेप करांगे, एक करूँगा अंकित, एक मोनी कहता मैं करूँगा, एक कहता राजन, राजन कहता तेरे नाल मैं रेप करना। दसो जी मैं एडी जनानी उम्र दी होके मेरे नाल बच्चे रेप करनगे, निके निके बच्चा ला कहता तेरे नाल रेप करा के तेरी वीडियो पानी है, कहता जो जलंधर से जनानी नाल होई सी ना तेरे नाल करनी है, ऐदा कहंदे ने मैनू। मैं कित्थे जावां दसो? थाने कोई अधिकारी नहीं मिले सानू जी, असं वेट कर रहे हैं बड़े साहब की, असं उन्होंने को पेश होना चाहते हैं।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਜੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ 6 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਸਤਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ